हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो के अंदर आप डिस्कस करेंगे अपना सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो आप इसमें आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर होता क्या है, बेसिकली जी अपने को कनेक्टिविटी है वो सेम होंगी है, बट स्पेस के अंदर अरेंजमेंट के अंदर डिफरेंट होंगे। हूँ जो आप गल करिए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जो क्वेश्चन आते हैं तो एक तो दो क्वेश्चन ही आते हैं इस टॉपिक तो, ठीक है, बट क्वेश्चन वधिया आते हैं। ठीक है, तुहाडे तो आर एस कॉन्फिगरेशन से बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आर एस कॉन्फिगरेशन तीन सिस्टम की पूछी जाती है, एक होंगी है वेज डैश सिस्टम की फ्यूचर प्रोजेक्शन च, नॉरबोरोन सिस्टम की। ठीक है, तीन तरह की अपन आर एस कॉन्फिगरेशन क्ढनी होनी चाहिए है। उस तो बाद नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, यदा मैं तुम सारी थ्यूरी भी करवा देंगे इस लैक्चर के अंदर। ठीक है, सब तो पहला आपको पता होना चाहिए स्टीरियो आइसोमर्स होंगे कि नहीं, मतलब थ्री डी के अंदर। ठीक है, जो मॉलीक्यूल्स ने उन्होंने की होंगे डिफरेंट अरेजमेंट में आप बोल देंगे स्टीरियो केमिस्ट्री बोलते हैं, स्टीरियो मतलब स्पेस। हम देखो आप सब तो पहले एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, कि मॉलीक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे गा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होंगी है जिहड़ा प्लेन पोलराइज लाइट नू की करते रोटेट करते, विच रोटेट पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट नू रोटेट करते, जो राइट नू रोटेट कर देता है उसनों आप बोलते हैं डेक्सट्रो रोटेटरी, जिहड़ा लैफ्ट नू रोटेट कर देता है गा, लैफ्ट नू मतलब उसनों आप बोलते हैं लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। ठीक है, बेसिक जो कॉन्सैप्ट पता होना चाहिए सी हूँ, बट आप हरेक मॉलीक्यूल अंदरों प्लेन पोलराइज लाइट तो पास नहीं कर सकते, तो आप किस तरह चैक करेंगे, उसलिए आप चैक करेंगे कि मॉलीक्यूल अपना कायरल हो। जो किसी मॉलीक्यूल ने ऑप्टिकली एक्टिव होना है वह की होना चाहिए है, कायरल होना चाहिए है। हूँ मॉलीक्यूल कायरल कदों होगा, उस अंदर कोई भी सिमिट्री एलीमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो सिमिट्री एलीमेंट शुड प्रेजेंट, नो सिमिट्री एलीमेंट शुड प्रेजेंट। ठीक है, हम सिमिट्री एलीमेंट तो की समझो तुसी। ठीक है, एक होंगे अपने को प्लेन ऑफ सिमिट्री, एक होंगे प्लेन ऑफ सिमिट्री, तो दूसरा होंगे अपने को सेंटर ऑफ सिमिट्री। जे इन्हें दोहां दे अंदरों बाकी होर भी होंगे ने प्लेन सिमिट्री एलीमेंट्स, बट तुसी सिर्फ यही दो देखने नेगे। जे इन्हां दे अंदर कोई भी सिमिट्री एलीमेंट प्रेजेंट है वो मॉलिक्यूल अकायरल हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब जे आपां ने चैक करना है तो ये दोहे की होंगे ने मिसिंग होने चाहिए ने। ठीक है, जे प्लेन ऑफ सिमिट्री भी मिसिंग है, सेंटर ऑफ सिमिट्री भी मिसिंग है, तो अपने को मॉलीक्यूल कायरल होगा, तो क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होने लिए कोई सिमिट्री एलीमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एक्टिव, फॉर मॉलीक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, टू बी ऑप्टिकली एक्टिव इट शुड नॉट कंटेन एनी सिमिट्री एलीमेंट। ठीक है, उस अंदर कोई भी सिमिट्री एलीमेंट नहीं होना चाहिए। हम सिमिट्री एलीमेंट किस तरह आप देख देंगे, प्लेन ऑफ सिमिट्री का की मतलब होंगे, सेंटर ऑफ सिमिट्री का की मतलब होंगे, वो ही आप देखते हैं। हूँ देखो जस्ट एक सेकंड में ड्रॉ करने पड़ेंगे। हाँ चलो, चलो आप उरे डिस्कस कर लेने गे। ठीक है, सब तो पहले आप डिस्कस करते हैं प्लेन ऑफ सिमिट्री। प्लेन ऑफ सिमिट्री का की मतलब होंगे गा, एक अजिहा प्लेन जिहड़ा मॉलीक्यूल्स दो इक्वल हाफ च बन दे, तो वह दोहे हिस्से आपस के होंगे मिरर इमेज होंगे। जिस तरह मैं इस तरह गल करा साइक्लोब्यूटेन की, ठीक है, इस केस च जे मैं उरों एक प्लेन पास कर दा मिडल चो, ठीक है, तो दोहे प्लेन जे दो हिस्से हो गए आपस की ने मिरर इमेज ने गे। ठीक है, की ने गे आपस के अंदर की ने मिरर इमेज ने। सो प्लेन ऑफ सिमिट्री इज अ प्लेन विच डिवाइड्स द मॉलिक्यूल इंटू टू इक्वल हाफ्स एंड दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। हूँ जे आप देखिए ए, ठीक है, ए लैटर होंगे गा, ए दे अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। ठीक है, इसने भी क्या करता, ए नू दो इक्वल हिस्सों से बंटता। जे आप गल करिए सी डबल बॉन्ड सी, उरे सी एल है, उरे सी एल है, उरे एच है, उरे एच है, कि इस दे अंदर कोई सिमिट्री एलीमेंट प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है कि। देखो हूँ इस केस की होएगा, ठीक है, ए वाला की है sp2 hybridized है, ये भी sp2 hybridized है, मतलब कि किस तरह स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। जो प्लेनर स्ट्रक्चर है, जो एटम्स मैं इस तरह शो करा, ठीक है, एटम्स मैं सिंपली स्फेरिकल शेप शो कर रहेगा। हूँ जो आप इसते, ठीक है, हर एक एटम स्फेरिकल शेप देगा, जो आप इस मोलिकुलर प्लेन पास करेंगे मतलब स्लाइस कट, ठीक है, तो हर एक एटम की हो जाएगा दो दो इक्वल हिस्से बन जाएगा। ठीक है, हर एक एटम की हो जाएगा दो दो इक्वल हिस्से बन जाएगा, मतलब जिहड़ा भी कोई
प्लेनर मॉलिक्यूल होंगे, प्लेनर मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा ही की प्रेजेंट होंगे, POS प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आई होप तुहानू POS चेक करना आ गया होगा। ठीक है जी, इस मॉलिक्यूल की गल करिए, ठीक कि इस दे अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री उरों पास हो जाएगा, तो इस दे अंदर की हैगा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हैगा। जो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हैगा तो मॉलिक्यूल की हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, की हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। हुण देखो आप चेक करते सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री की होंगेगा कि मॉलिक्यूल के सेंटर के कोई सिमेट्री प्रेजेंट हो, जिस तरह आप बेंजीन लीए, ठीक है बेंजीन लीए, बेंजीन दे आपां सेंटर मनिए, बेंजीन दा सेंटर मनिए उरो, ठीक है इन चारों तरफ बिहेवियर की आइडेंटिकल है। हुण जिस तरह आप अल्कीन लीए, सी डबल बॉन्ड सी, सी एल सी एल एच एच, ठीक है एक महीने लिए सिस अल्कीन, दूजी महीने लिए ट्रांस अल्कीन। ठीक है सिस अल्कीन ते ट्रांस अल्कीन दा की डिफरेंस होंदा है, जिहड़े सी एल ग्रुप ने सेम साइड ने तां सिस अल्कीन, सी एल ग्रुप ऑपोजिट साइड ने तां इसनूं आपां बोलांगे ट्रांस अल्कीन। हुण देखो इस केस के अंदर की होएगा, जो आप उरो प्लेन मनीए इस सॉरी जो उरो देखिए आप इस तरफ जाते तो सी एल है, जिसके ऑपोजिट साइड आवेंगे तो एच हैगा, उरो देखो जो उरो आप इस साइड आने तो एच हैगा, इस साइड आवेंगे तो सी एल है, मतलब इसके अंदर कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं हैगी। बट इस मॉलिक्यूल के अंदर देखिए आप इस तरफ जावे तो सी एल, इस तरफ आवेंगे तो भी सी एल, उपर जाएंगे तो भी एच, इस तरफ जाएंगे एच, मतलब आप उस मॉलिक्यूल उस पॉइंट तो चाहे अगे चले जाइए चाहे इधर आ जाइए चाहे उपर चले जाइए चाहे नीचे आ जाइए, मतलब सेम इनवायरमेंट मिले उस तरह के सिमिट्री एलीमेंट आप बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमिट्री। आई होप तुम चेक करना आ गया होगा कि सिमिट्री एलीमेंट आप किस तरह देखते हैं। हूँ देखो उस तो बाद आप एक टर्म लिख रखी है कायरल सेंटर, हम कायरल सेंटर का की मतलब होंगे, ठीक है थोड़ा जहा टर्म समझो जो क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे उदो थो यूज हो गया है। ठीक है कायरल सेंटर की होंगे, इट इज एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, हैविंग फोर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू इट, हैविंग फोर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू इट, ठीक है कायरल सेंटर का की मतलब होंगे एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिस दिनाल की लगे हो ना फोर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो, फोर डिफरेंट ग्रुप्स मतलब कि मैं देखो जो मेरे को एक कायरल है एटम है, ठीक है उन्होंने चार ग्रुप्स लगे हुए एक्स वाई जेड ते डबल्यू सपोज, ठीक है चार ही ग्रुप्स डिफरेंट ने तो इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की हो जाएगी sp3 हो जाएगी, मतलब एक कायरल सेंटर प्रेजेंट होएगा। ठीक है एक ही कायरल सेंटर है जिसकी तरफ की उन्होंने चारों डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। हूँ कायरल सेंटर का की फायदा होंगे वो भी देखते अपना, इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन ओनली वन कायरल सेंटर, जे किसी मॉलिक्यूल अंदर सिर्फ एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है जनरली वो की होंगेगा ऑप्टिकली एक्टिव होंगेगा। ठीक कायरल सेंटर नाल आप ऑप्टिकली एक्टिव नहीं करते, बट जे एक कायरल सेंटर प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, इफ मॉलिक्यूल कंटेन, मॉलिक्यूल कंटेन वन कायरल सेंटर, ठीक है सिर्फ एक ही कायरल सेंटर हो, देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक कायरल सेंटर अलग चीज है, कायरल मॉलिक्यूल अलग चीज है। ठीक कायरल मॉलिक्यूल अपना सिमेट्री एलीमेंट्स से बेस से दे दिया, कायरल सेंटर अपना चार डिफरेंट ग्रुप्स से बेसिस से दे दिया। चलिए पहले क्वेश्चन तुझे कायरल सेंटर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है ये वाला की हो गया कायरल सेंटर हो गया, क्योंकि उरे एक हाइड्रोजन लग गया, एक मिथाइल एक इथाइल एक क्लोरीन, ठीक है तो कायरल सेंटर किन हो गया वन। इस केस च देखो ये वाला सेंटर की है कायरल सेंटर का, इस वाले केस च देखो ये वाला सेंटर की है कायरल सेंटर का, ये भी की है कायरल सेंटर का। ठीक है उरे भी एक कायरल सेंटर है, उरे भी एक कायरल सेंटर है, क्लीयर है सब नू। हुण देखो एक टर्म मैं डिफाइन करदा जिसनों आप बोलते हैं मीजो कंपाउंड, एक टर्म डिफाइन करदा जिसनों आप बोलते हैं मीजो कंपाउंड। ठीक है मीजो कंपाउंड केड़े होंगे ने जिन्हों के अंदर टू कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, जिन्हों के अंदर दो कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, प्लस ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री एक चीज प्रेजेंट हो, दो कायरल सेंटर प्लस प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री। हुण देखो पहला मॉलिक्यूल देखो इसके अंदर दो कायरल सेंटर प्रेजेंट ने, बिल्कुल सही गल है प्रेजेंट ने, तो उरों देखिए अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होंगे कि ना नहीं होंगे, क्योंकि सी एल दी इमेज बी आर नहीं बना सकता, तो यही मीजो कंपाउंड नहीं है, ये वाला कंपाउंड मीजो नहीं है। आप इस वाले कंपाउंड की गल देखिए, ठीक है इसके अंदर POS पास होंगे, बिल्कुल पास होंगे, ठीक है तो मिरर इमेज बन रहे ने, बन रहे ने उरे भी सी एल उरे भी सी एल उरे सी एच सी एच सी एस थ्री सी एस थ्री,
मतलब एक दो कायरल सेंटर भी ने ते इस अंदर प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इस तरह के कंपाउंड आप की बोलेंगे मीजो कंपाउंड बोलेंगे, इस तरह के कंपाउंड की बोलेंगे मीजो कंपाउंड बोलेंगे। इसको स्टार मार्क करके लिख लो, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन थोड़े पेपर च आता रहेगा, ठीक है। चलो ये वाले क्वेश्चन ने अब थोड़े लिए, ठीक है। उस इसके अंदर की होगा पीओएस प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा बिल्कुल, क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सीओएस भी प्रेजेंट है, क्लियर है। हुण इस केस के अंदर देखो, ठीक है, सीएल सीएल, ठीक है, एक सीएल उपर दू प्लेन है, एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। जब आप उर जावे, ठीक है, इस तरफ इसकी प्रोजेक्शन मिलेगी, इसकी प्रोजेक्शन मिलेगी, इस तरह है। एक प्लेनर है, ठीक है, एक उपर अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, ठीक है। इसनों आप बोलते हैं सॉलिड लाइन, आप बोलते हैं वैज, ठीक है। सॉलिड लाइन की बोल देंगे वैज, डैश लाइन की बोलते हैं आप, डैश लाइन डैश बोलते हैं, ठीक है ना। ये डैश वैज का कॉन्सैप्ट क्यों होता, जो अपने को एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होंगी है, जो अपने को एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होंगी है, तो उस केस की होंगे गा जो स्ट्रक्चर होंगे उसके अंदर चार बोन्स होंगे ने एक्स वाई जेड एंड सपोज डबल्यू। तो हूँ थोड़ा पता है जो एस पी थ्री हाइब्रिडाइज वाला होंगे उसकी शेप होंगे टैट्राहेड्रल। टैट्राहेड्रल का मतलब है कि दो बोन्स एक प्लेन के अंदर होंगे, दो आउट ऑफ प्लेन के अंदर होंगे, मतलब एक अबव द प्लेन तो दूसरा की हो जाएगा बिलो द प्लेन हो जाएगा। इस करके अपन वेज डैश का कॉन्सैप्ट भी आना चाहिए, ठीक है। चलो थोड़े एक क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन द गिवन मॉलिक्यूल, ठीक है। क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, ठीक है, वीडियो पॉज करके। आई होप तुम वीडियो पॉज करके मार्क कर ले होंगे, मैं मार्क करना स्टार्ट करता। ठीक है, पहला कायरल सेंटर तो हो गया ए वाला, ठीक है। सैकेंड कायरल सेंटर हो गया अपने को ए वाला, ठीक है। थर्ड कायरल सेंटर हो गया ए वाला, फोर्थ कायरल सेंटर हो गया ए वाला, फिफ्थ कायरल सेंटर हो गया ए वाला अपने को, सिक्स कायरल सेंटर हो गया ए वाला, ठीक है। तो टोटल कितने कायरल सेंटर ने इस मॉलिक्यूल के अंदर, सिक्स कायरल सेंटर ने, ठीक है। कायरल सेंटर का मतलब वो वाला कार्बन जिसके नाल चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे ने। हुण आपां जो भी कायरल सेंटर होगा उसके अलोंग, ठीक है, की डिफाइन करते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन करते हैं, मतलब आर या एस कॉन्फिगरेशन की करते हैं डिफाइन करते हैं। हुण आर एस कॉन्फिगरेशन तो पहले आपां कुछ रूल्स आने चाहिए ने, जिन्होंने आप बोलते हैं सी आई पी रूल्स, ठीक है। सी आई पी रूल समझते हैं, फिर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सी आई पी का की मतलब होंगे कहान इन गोल्ड प्रीलोग, कहान इन गोल्ड प्रीलोग, ठीक है। तीन साइंटिस्ट जी उसके नाम से, ठीक है, सी आई पी प्रियोरिटी रूल डिफाइन किया गया, ठीक है। तो उन्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, सिंपल रूल ने याद रखो। पहली गल, सब तो पहला देखना अपने हाईएस्ट अटोमिक नंबर, जिस एलीमेंट नाल अटैच है हाईएस्ट उसका अटोमिक नंबर है उसको फर्स्ट प्रियोरिटी देनी है, ठीक है, जिसका हाईएस्ट अटोमिक नंबर है, ठीक है। सैकेंड केस के अंदर जो अपने को बाई चांस पहले आइटम का अटोमिक नंबर सेम है तो आप की चेक करेंगे अटोमिक मास चेक करेंगे, जिसका अटोमिक मास उसका अपने को सब तो हाईएस्ट प्रायोरिटी, जिस तरह सब तो ज्यादा फिर ट्रिटियम का हो जाएगा, फिर ड्यूटेरियम का, फिर हाइड्रोजन का, क्योंकि दोहों का अटोमिक नंबर सेम है बट देयर मोलर मास डिफरेंट है, ठीक है। तीजा केस आप डिस्कस कर सकते हैं, जो पहला एटम सेम है, सपोज पहला कार्बन है, दूजा भी कार्बन है, तो दोहों की प्रायोरिटी सेम होगी। दूजा सपोज इस नाल एच टू लग गया, उरे सी एल टू लग गया, हम उरे सी एल का अटोमिक नंबर ज्यादा है तो इसमें आप देवे प्रियोरिटी। तो सब तो पहले अपन पहला आइटम चेक करना है, फिर सैकंड आइटम चेक करना है, फिर सो उन इस तरह बढ़ते जाने का, ठीक है। उस तो इलावा जो अपने को दो रिंग्स हो, एक समॉलर रिंग हो, एक लार्जर रिंग हो, तो आप प्रियोरिटी किसान देवे समॉलर रिंग में जमेंगे एज कंपेयर टू लार्जर रिंग। जो अपने को डबल बॉन्ड आ जाए कित भी, ठीक है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जो डबल बॉन्ड हो उसका आप करेंगे डुप्लीकेशन, डबल बॉन्ड हो उसका करेंगे डुप्लीकेशन, जो ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसका करेंगे आप ट्रिप्लीकेशन, ठीक है। की होंगे ने मैं हमें समझा थोड़ा, एक बार बस रूल याद कर लो ये वाले, ठीक है ना, क्वेश्चन तो बिंदे च हो जाएंगे, ठीक है। हम देखो जिम्मे अपने को सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, तो इसको आप किस तरह डुप्लीकेशन करा इस तरह, ठीक है, सी न सिंगल बॉन्ड ओ कर लेंगे। हूँ सी नाल की अटैच है ओ, तो सी नाल ओ अटैच कर देंगे, तो इस नाल की कर देंगे कार्बन अटैच कर देंगे, ठीक है। इस तरह अपने को हो जाएगा डुप्लीकेशन। जो अपने ट्रिप्लीकेशन करना, सपोज सी ट्रिपल बॉन्ड एन है तो सी सिंगल बॉन्ड एन कर देंगे, ठीक है, सी दे नाल की अटैच कर देंगे एन, ठीक है, तो एन दे नाल की अटैच कर देंगे सी। हूँ अगे भी अपने को डबल बॉन्ड है दो बार करना पड़ेगा, फिर सी दे नाल एन, फिर एन दे नाल सी, ठीक है। इस तरह आप कर देंगे प्रायोरिटी डिसाइड कर देंगे, पहले आप सी की कनैक्टिविटी चेक करेंगे, फिर एन की कनैक्टिविटी चेक करेंगे, उसके बेस्ड की करेंगे आप प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, ठीक है। जिन्होंने नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू क्लीयर हो जाएगा, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट रूल होंगे अपने को सिस की प्रायोरिटी आप हमेशा ज़्यादा देने ट्रांसफॉर, ठीक है, लोन पेयर हमेशा लास्ट प्रायोरिटी देनी, लोन पेयर शुड गैट लास्ट प्रायोरिटी या लीस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। बस इन्ने रूल सी आई पी रूल के अकॉर्डिंग।
ठीक है। हुण इसका की फीचर है वह देखते आप। हुण जिस तरह अपने को जमैट्रिकल आइसोमरिज्म होंगेगा, ठीक है, एक तो होंगे सिस फॉर्म, एक होंगे ट्रांसफॉर्म, एक आप ईजेड भी यूज कर देंगे, ठीक है। ईजेड का मतलब होंगे वह भी देखेंगे आप। हूँ देखो सिस ट्रांस के होंगेगा जो सी डबल बॉन्ड सी के अलोंग दोहे ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट ने तो उसको आप बोल देंगे सिस बोल देंगे। जे अपने को दोहे डिफरेंट डायरेक्शन च होंगे ने तो इस फॉर्म में आप बोल देंगे ट्रांसफॉर्म। क्लीयर है सबनों? सिस ट्रांस सबन पता है, ठीक है। सिमिलरली आप ईजेड भी यूज कर देंगे, ठीक है। जेड कदों यूज करा जे सेम प्रियोरिटी ग्रुप सेम प्रियोरिटी वाले सेम साइड हो गए, जे सेम प्रियोरिटी वाले सेम साइड हो गए तो उसको आप बोलेंगे जेड। तो ई किस बोलेंगे जे सेम प्रियोरिटी वाले, ठीक है, जिन्हें सेम प्रियोरिटी है वो क्यों होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन भी लेके आया थोड़े लिए, ठीक है, सॉल्व करो। कि पहले केस, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी दे अलोंग ऑक्सीजन पहली प्रियोरिटी देवेंगे या सी एच थ्री ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का एटोमिक नंबर ज्यादा है, ठीक है, इसनों दो। इस केस एस एच न पहली प्रियोरिटी, इसनों सैकेंड प्रियोरिटी। हूँ दोहे की ने प्रियोरिटी ग्रुप्स की ने ऑपोजिट ने तो इस कौन सी कॉन्फिगरेशन होगी ई कॉन्फिगरेशन होगी, ठीक है। इस केस देखो इसनों पहली प्रियोरिटी इसनों सैकेंड प्रियोरिटी, ठीक है, इसनों पहली प्रियोरिटी इसनों सैकेंड प्रियोरिटी, क्योंकि उरे ऑक्सीजन आ रहा है उरे सिंपली कार्बन नेगी तो ए भी कि फॉर्म होगी अपने को ई फॉर्म होगी, ठीक है। इस केस देखो इसनों पहली प्रियोरिटी इसनों सैकेंड प्रियोरिटी इसनों पहली प्रियोरिटी इसनों सैकेंड प्रियोरिटी, मतलब सेम प्रियोरिटी वाले की आ गए सेम साइड आ गए तो ये कि फॉर्म होगी अपने को जेड फॉर्म होगी। क्लीयर है? इसनों फर्स्ट प्रियोरिटी इसनों सैकेंड प्रियोरिटी, जिसनों आप ओपन करके लिखिए तो किवें लिखेंगे C डबल बॉन्ड C H Cl CO उरे ऑक्सीजन अटैच है इस नाल की अटैच है C, ठीक है, जिस तरह मैं उसको ओपन करना सिखाएगा सी एच टू ओ एच। उरे देखो सी सी सेम हैगा, नैक्सट ऑक्सीजन भी सेम हैगा, बट उरे दो दो ऑक्सीजन ने उरे एक हाइड्रोजन है तो एक ऑक्सीजन है, मतलब इसकी प्रियोरिटी वन इसकी टू इसकी वन इसकी टू, मतलब सेम प्रियोरिटी ऑपोजिट साइड तो यह वाली कॉन्फिगरेशन कि हो जाएगी ई कॉन्फिगरेशन हो जाएगी, ठीक है। इस दे बेस भी तो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आ रखे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर भी इस तरह आप ईजेड फाइंड आउट करते हैं वो भी मैंने सिखाता। चलिए हम आप वाला क्वेश्चन देखते हैं, चेक पीयूएस की इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बिल्कुल है। आप और एक प्लेन पास कर दी, इसकी इमेज उरे बन जाएगी इसकी इमेज उरे बन जाएगी, क्लीयर है, ठीक है। एक नैक्सट इंपॉर्टेंट सिस्टम होंगे ने अलीन सिस्टम, ठीक है। अलीन सिस्टम का की मतलब होंगे जो सी डबल बॉन्ड सी जो दो बॉन्ड प्रेजेंट हो दो बॉन्ड दो टू पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो तो होंगे अपने को जो टर्मीनल कार्बन होंगे ने, ठीक है, जिस आप ड्रॉ करिए सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, तो जो हेठ वाले टर्मीनल हाइड्रोजन होंगे ने कि होंगे प्लेन तो बाहर आ जाते, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर जो अपने को सी ते डी दोहे सेम ग्रुप ने गे जा ए ते बी सेम ग्रुप ने तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गए। जे ए नॉट इक्वल टू बी नॉट सी नॉट इक्वल टू डी, ठीक है ना, ए कंडीशन आ जाए, ठीक है, जो आप लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ ए नॉट इक्वल टू बी तो ये आपस इक्वल ना हो दोहे आपस इक्वल ना हो तो उस केस कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होएगा, ठीक है ना। ये तीन डाटा तुम याद रख सकते हो, ठीक है। इसन किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है, बट इसमें इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, ठीक है। उस तो बाद आप सीख देंगे आर एस कॉन्फिगरेशन कढ़ना, ठीक है। आर एस कॉन्फिगरेशन आप सब तो पहले कढ़ देंगे वेज डैश सिस्टम, ठीक है, वेज डैश सिस्टम, ठीक है। इस की रूल होंगे, देखो अपने प्रियोरिटी देनी है, प्रियोरिटी देनी मैं उसको सिखाती प्रियोरिटी देनी है, जे फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप, ठीक है, पहले देखो आर ते एस का की मतलब होंगे, आर का मतलब होंगे रैक्टस, रैक्टस का की मतलब हो गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक, क्लॉकवाइज मतलब ए वाली डायरेक्शन, ठीक है, ए वाली डायरेक्शन आप बोलेंगे क्लॉकवाइज। एस का की मतलब हो गया सिनिस्टर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज लिए आप यूज करेंगे आर, एंटी क्लॉकवाइज लिए यूज करेंगे एस, ठीक है, ठीक है, एक ही होगा अपने को एंटी क्लॉकवाइज। हूँ देखो बट एक कदों अप्लाई करना है जो तो फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप कितने होवे, फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप कितने प्रेजेंट होवे डैश ते, जो तो फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप डैश ते प्रेजेंट होएगा तो आर का मतलब क्लॉकवाइज मतलब रैक्टस, ठीक है, तो एस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप डैश ते प्रेजेंट होना कंपलसरी है, किस तरह आई आप दो क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। हूँ देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, प्रियोरिटी देगी सब तो पहले अपने प्रियोरिटी देनी है, ठीक है, सब तो हाईएस्ट किस नु मिली क्लोरीन, फिर किस नु फ्लोरीन, फिर कार्बन, फिर इस, ठीक है, अपन हूँ प्रियोरिटी देनी आ गई सबनों, बिल्कुल सही गल है। फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप कितने का डैश तेगा,
फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश देगा। हूँ जो आप रोटेशन देखिए, अपने 1 2 3 की रोटेशन देखनी है, 1 2 3 ठीक है, 1 2 3 वाल जाओ, इस तरह की रोटेशन आ गई। मतलब रोटेशन के लिए अपने को एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लिए आप यूज करते हैं वर्ड एस, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लिए यूज करते हैं एस, प्रोवाइडेड कि जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है डैश से प्रेजेंट हो गए। हूँ देखो इस केस से देखो, ठीक है, पहले आप प्रेफरेंस दी क्लोरीन, फिर दी अपने फ्लोरीन, फिर 3 उरे, फिर 4 उरे, ठीक है। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कितने का वेज तेगा, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कितने का वेज तेगा, इट मीनस डैश तो नहीं है। हूँ देखो डायरेक्शन कि अपने को 1 2 3 की एवल डायरेक्शन होगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, तो एंटी क्लॉकवाइजली होना की चाहिए सीगा एस होना चाहिए सी, बट क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वेज तेगा तो आप इसी चेंज करके की कर देंगे आर कर देंगे, क्लियर है। मतलब जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अपने को ठीक है वेज ते आ जाए, ठीक है सॉलिड लाइन ते आ जाए, तो उसकी कॉन्फिगरेशन आप कर देना चेंज कर देना ये वाले रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तुम, ठीक है, उदो भी इसमें सीख सकते होंगे, ठीक है। आई होप तुम्हें इन्ना कॉन्सैप्ट क्लीयर हो गया होगा। हूँ आप फ्यूचर प्रोजेक्शन अंदर देखते हैं, ठीक, चलो ये अपने को फ्यूचर प्रोजेक्शन है। ये फ्यूचर प्रोजेक्शन अंदर किस तरह देखना होंगे गा, जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक है, देखो डैश का मतलब होंगे होरीजोंट वर्टिकल लाइन, तो वेज का मतलब होंगे होरीजोंटल लाइन, ठीक है। फ्यूचर प्रोजेक्शन अंदर आप इस तरह शो कर दें, तुम ग्लूकोज वगैरह स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे। हूँ इस इन्हों की कॉन्फिगरेशन आप किस तरह डिसाइड करेंगे, ये सेम प्रायोरिटी देनी है अपने, ठीक है, प्रायोरिटी दो चारे ग्रुप्स की, चारे मतलब एटम्स की, ठीक है। जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अपने को वर्टिकल लाइन से आंदेगा, वर्टिकल लाइन से आंदेगा, तो अपने सेम रूल फॉलो करना है, सेम रूल मतलब जो अपने को क्लॉकवाइज हैगी तो आप आर यूज करेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज हैगी तो आप यूज करेंगे एस, ठीक है। हूँ जिस तरह अपने को पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इस आपने क्लोरीन नंबर 1 दिता, इस नंबर 2 दिता, इस नंबर 3 दिता, इस नंबर 4 दिता, डायरेक्शन कि होगी अपने को वाली, ए वाली डायरेक्शन कि होंगी अपने को क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कितने है, ठीक है, वर्टिकल लाइन से है, मतलब ठीक है क्लॉकवाइजली आर होनी चाहिए थी, इसकी की रहेगी आर ही रहेगी, क्लीयर है सबको। हूँ जो इस क्वेश्चन मैं थोड़ा जहा मॉडिफाई करा, ठीक है, उरे CH3, ठीक है, उरे मैं एच कर दा, ठीक है, उरे चलो आप सी एल करके देख दें, ठीक है, उरे एफ, ठीक है, इसकी की आएगी, करो भाई ट्राई, ठीक है ना, देखते हैं की बनता है इसका आंसर। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, डायरेक्शन कि हैगी ए वाली डायरेक्शन हैगी, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कितने का होरिजोंटल लाइन से, मतलब इस केस अपने उल्टानी है, ठीक है ना, इस केस की करनी अपने ऑपोजिट करनी है, मतलब जो तो आप लेफ्ट, ठीक है, डायरेक्शन कि अपने को क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइजली होना चाहिए सी आर, बट क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कितने प्रेजेंट है, वर्टिकल होरिजोंटल लाइन से प्रेजेंट है, तो इस केस आप कर देंगे उल्टा देंगे, मतलब की हो जाएगी कॉन्फिगरेशन एस हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह तुम्हें पता होना चाहिए है उदो आप कॉन्फिगरेशन उल्टानी है, कदों नहीं उल्टानी, ठीक है ना। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है, ये मैं तुम टेस्ट अंदर करवा ही देवगा, ठीक है, जो आप टेस्ट सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो हूँ तक अपन डिस्कस किया आर एस कॉन्फिगरेशन इन वेज डैश के अंदर डिस्कस किया, तो नाल दी नाल अपन डिस्कस किया इन फ्यूचर, ठीक है, बाकी जो टेस्ट अंदर क्वेश्चन ने उन्होंने थ्रू अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन भी ने, तुम अटैम्प्ट करो वीडियो में पास करके, चलो मैं एक क्वेश्चन थोड़े लिए कर देंगे, ठीक है, उरों देखो, ठीक है, इसनों पहली प्रायोरिटी देवेंगे, इसनों सैकेंड प्रायोरिटी, इसनों थर्ड प्रायोरिटी, इसनों फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है, डायरेक्शन कि अपने को, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एस होना चाहिए सी, बट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कितने का होरिजोंटल लाइन से है, तो एस का की हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी कॉन्फिगरेशन आ जाएगी आर, ठीक है। इस केस से देखो, इसनों पहली प्रायोरिटी, सॉरी, इसनों पहली प्रायोरिटी, इसनों सैकेंड प्रायोरिटी, इसनों थर्ड प्रायोरिटी, इसनों फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है, डायरेक्शन कि आ गई ए वाली, मतलब क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कितने अपने को होरिजोंटल लाइन से, मतलब आर का की हो जाएगा एस, क्लीयर है सबनों। हूँ देखो आप जिस तरह ग्लूकोज होंगे, ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं बना रखे है, इस दिन अंदर आप कॉन्फिगरेशन किस तरह डिसाइड करेंगे, ये एक ट्रिक दसदा, जो उपर CHO प्रेजेंट हो, नीचे CH2OH प्रेजेंट हो, उपर सब तो CHO प्रेजेंट हो, नीचे CH2OH प्रेजेंट हो, मतलब ये वाला सिस्टम ही हो, ठीक है। तो इस केस जो अपने को OH लैफ्ट साइड से है तो एस होंगी है, जो राइट साइड से तो आर होंगी है, लैफ्ट से तो एस होंगी है, लैफ्ट से तो एस होगी, ठीक है। इस तरह आप डिसाइड कर सकते हैं आर ते एस। तो हूँ जो अपने को लास्ट कार्बन से
मतलब जो फिफ्थ कार्बन है ये वाला कार्बन से, जे अपने को OH लैफ्ट साइड होंगे तो यह वाला होंगी अपने को एल्फॉर्म, जे अपने को OH राइट साइड से होंगे तो उस फॉर्म में आप बोलते डी फॉर्म। ठीक है, डी एल फॉर्म भी आप डिफाइन कर दे ग्लूकोसली आर एस हर एक कार्बन सेंटर से होंगी है डिफाइन होंगी है। ठीक है, इन्ना का पार्ट से अपना स्टीरियो केमिस्ट्री का, उस तो अलावा देखते आप हाँ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का कैलकुलेशन। ठीक है जी, देखो अपने को बोथ साइड्स की डिसिमिलर ने, मतलब सेम से कोई सिमिट्री एलिमेंट नहीं है, जिस तरह ए यूरिकायरल सेंटर एक ते उरिक कायरल सेंटर है, दो कायरल सेंटर ने, तो फॉर्मूला की बनेगा 2^n मतलब 2^2 मतलब 4 की आ जाएंगे इस दिया टोटल अपने को की आ जाएंगे इसके स्टीरियो आइसोमर्स आ जाएंगे। ठीक है ना, तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है जी, तुम बनाना चाहो बना भी सकते हो, देखो किस तरह। ठीक है, एक बार ऊपर सी S3 नीचे सी S3, क्लियर है, ऊपर सी S3 नीचे सी S3। ठीक है, दो फॉर्म के अंदर OH राइट साइड होएगा, ठीक है, एक के अंदर राइट साइड, एक के अंदर लेफ्ट साइड। ठीक है ना, सिमिलरली BR दो के अंदर राइट साइड होगा, एक के साइड ऑपोजिट साइड, दूसरे भी क्या हो जाएगा ऑपोजिट साइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अपने को टोटल कितने कॉन्फिगरेशन बन जाएंगे, 4 कॉन्फिगरेशन बन जाएंगे। ठीक है ना, तुम चेक कर सकते हो। जे अपने को सिमिलर एंड्स हो जाए, मतलब जिस तरह देखो उरा देखो, ठीक है, CH दे नाल उरे भी OH, उरे भी COH, उरे भी COH, उरे भी OH, तो उस केस फॉर्मूला यूज करना होता है 2^n-1 प्लस 2^n/2-1। ठीक है जी, n इवन है, n मतलब नंबर ऑफ कायरल सेंटर, तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर n कितना गया 2, तो पुट करो 2^2-1 प्लस 2^2-1 मतलब 2 प्लस 1 दैट इज 3। ठीक है, 3 तक की आएंगे टोटल आइसोमर्स आएंगे। ठीक है, एक और पेपर यह क्वेश्चन आया, उसने पूछा ऑप्टिकली एक्टिव कितने आएंगे। ठीक है जी, ड्रॉ करिए आप तीन कड़े बन गए इसके। ठीक है, तीन इस तरह के बन गए, एक और OH राइट साइड से, ठीक है, एक और OH लेफ्ट साइड से, सॉरी ठीक है मेरे को स्पेस नहीं आएगी, एक मिनट में उसे ड्रॉ कर दा। ठीक है, COH COOH, ठीक है, एक और OH राइट साइड से, OH राइट साइड से, एक और क्या आ जाएगा उरे OH लेफ्ट से आ जाएगा, एक और क्या आ जाएगा उरे आ जाएगा, तो दो ही ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे। ठीक है, उरे OH उरे H, ठीक है, एक और क्या आ जाएगा HO उरे आ जाएगा, ठीक इस तरह का। ठीक है, अपने को किन्ने फॉर्म्स मिल जाएंगे, तीन फॉर्म्स मिल जाएंगे, उससे आप चेक करना होगा किन्नी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, किन्नी ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, वो सब हम क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उस तो अलावा स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन दिया, ठीक है, कन्फर्मेशन होंगे ने। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म कन्फर्मेशन होंगे ने, उन्होंने स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए सूँ। ठीक है, चेयर फॉर्म की सब तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होंगी है, ये मोस्ट स्टेबल होंगी है, जी हाफ चेयर फॉर्म होंगी है, एक होंगी लीस्ट स्टेबल होंगी है, एक होंगी लीस्ट स्टेबल होंगी है। जो आप इन्हें एनर्जी का ऑर्डर करिए, ठीक है, किस तरह एनर्जी का ऑर्डर की हो जाएगा, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होंगी है उस तो ऑपोजिट की होंगी है एनर्जी, मतलब जो एनर्जी का ऑर्डर देखिए तो सब तो ज़्यादा चेयर फॉर्म, दैन ट्विस्ट बोट, दैन बोट, दैन हाफ चेयर। ठीक है, एक होंगे अपने को एनर्जी का ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, इन्नी की सफिशियंट थ्योरी थोड़ी काफ़ी हैगी। ठीक है ना, जो तुम इन्नी थ्योरी भी पढ़ लेने हो तो भी क्वेश्चन कर सकते हो अटैम्प्ट, उस तो इलावा। ठीक है, हम आप डिस्कस करते हैं जो अपने टेस्ट के अंदर सोल्यूशन आए थे।